हेलो एवरीवन, मैं आज नवरात्र स्पेशल में व्रत के लिए कलाकंद बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने 2 लीटर दूध लिया, 1 लीटर को मावे के रूप में बना देंगे और 1 लीटर को हम पनीर बनाएंगे। जब दूध हमारा खौल जाएगा उसे गैस ऑफ करके 1 नींबू के रस डाल देंगे। ये हमारा धीरे धीरे पनीर पक गया है। फिर हम दूध को लगातार चलाएंगे। इसमें 100 ग्राम चीनी और केसर ले लिया और पनीर को हम पानी डाल करके धो देंगे और फिर उसे निचोड़ लेंगे और दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे। ये हमारा धीरे धीरे दूध गाढ़ा हो गया है। इसे हम मावा नहीं बनाएंगे, केवल दूध को हम गाढ़ा ही रखेंगे। ये देखिए, ये दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। इसके बाद हम इसमें 100 ग्राम चीनी डाल देंगे। चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम गैस फ्लेम सीम रखेंगे, हाई में नहीं करेंगे और धीरे धीरे ये चलाते रहेंगे। ये हमें चीनी के साथ मिक्स हो गया है और इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। इसे हम छोड़ेंगे नहीं और पनीर को हम हल्के क्रश करके डालेंगे। इसमें पनीर हम थोड़ा दानेदार ही होना चाहिए क्योंकि ये कलाकंद बना रहे हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा लगभग तैयार है। जब हल्की सी चिकनाई आने लगे, बहुत ज़्यादा हम चिकनाई या नहीं आने देंगे, हल्का सा हमारा ढीला ही रहेगा, इसे फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मगज डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं। और हमने एक बॉल में, स्क्वायर बॉल में, चाहे तो आप किसी भी प्लेट में भी कर सकते हैं, और हल्की सी चिकनाई लगाकर हम इसको डालेंगे। हम इसके मावे को 2 भाग में कर लेंगे। 1 लेयर को नीचे डालेंगे, ये हमारा प्लेन होगा, और एक चौड़े फुट से इसको बराबर करेंगे। बहुत इसको दबाएंगे नहीं, हम हल्के हाथ से ही इसको प्लेन करेंगे, हम चारों तरफ से। ये हमारा बहुत जल्दी तैयार होता है। और दूसरे में हम केसर डालेंगे। चाहे तो आप सिंगल ही कलर में बना सकते हैं, लेकिन हमने 2 कलर में बनाया, 2 फ्लेवर डाल करके। और इसके केसर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसके बाद दूसरी लेयर को हम रखेंगे। उसी तरह हम चारों तरफ से इसको बराबर में सेट कर देंगे।
से हमारा दो कलर में बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार होता है। ये हमारा, अब इसको हम केसर और चिरौंजी से गार्निश करेंगे। अगर आप केसर नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डाल दें, क्योंकि हमने पहले भी केसर डाल दिया है। ये देखिए हमारा बहुत अच्छा सब तैयार हो गया है। अब हम चिरौंजी डाल देंगे। इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको फिर हम निकाल करके 2 घंटे के बाद स्क्वायर कट करेंगे। ये हमारा व्रत में बहुत ही जल्दी बनने वाला डिश है और हम इसको आराम से निकालेंगे। हमने कीवी को शुगर सिरप में डिप करके डेकोरेट कर लिया है और व्रत के लिए ये हमारा डिश तैयार है। थैंक यू।